हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल स्कूल। आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो गाइस, जैसे कि आपको वीडियो के टाइटल से पता चल गया होगा कि आज मैं आपके साथ रिव्यू करने जा रही हूँ एक प्रोडक्ट जो मेरे लिए बहुत नया है। अब मार्केट में नया नहीं है बट मेरे लिए नया है, वाइट टोन। सो मैंने इसको अभी तक यूज़ नहीं किया है, सो मैं आपके सामने ही इसको यूज़ करने जा रही हूँ। सो हियर्स, मैंने ये ख़रीदा है वाइट टोन। एंड गाइस, इसकी प्राइस है 55 रुपीज़। 30 ग्राम्स का पैकेट है एंड 55 रुपीज़ इसका प्राइस है। सो छोटा साइज सही है। अब आप देख सकते हैं इधर इसकी एक और ऊपर से पैकेजिंग थी पॉलीथीन की। सो मैंने इसको टीयर अप कर दिया। सो अब इसको चलिए अंदर से ओपन करके देखते हैं। इसकी पैकेजिंग की पहले बात कर लेते हैं। सो गाइस, पैकेजिंग तो बहुत अच्छी है, यू नो, पिंकिश है, फ्लारी है और इसका नाम है वाइट टोन। मुझे पैकेजिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्सेप्ट दिस नेम वाइट टोन। वाई सारे पाउडर्स क्रीम्स को वाइट ही क्यों होना है? वाई वाइट टोन? सिंपली भी तो आप नेम लिख सकते हो, जैसे प्रिटी 24 है, यू नो। सो चलो पहले इसके थोड़े बहुत क्लेम्स पढ़ लेते हैं, फिर अंदर जाते हैं। ये एक फेस पाउडर है। इनका कहने का मतलब कि जैसे आप कॉम्पैक्ट यूज़ करते हो तो आप इसको ऐसा वैसे उसको भी तरह यूज़ कर सकते हो। ओके, इंग्रेडिएंट्स ओके। इसके यूसेज में कुछ नहीं लिखा, बस लिखा है अप्लाई एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ओके, विद सॉफ्ट शेड फॉर्मूला। सॉफ्ट शेड फॉर्मूला, आई डोंट नो व्हाट दैट मीन। सो गाइस, यहाँ पर कुछ भी ऐसा इनका मतलब क्लेम नहीं है कि ये क्या करता है क्या नहीं करता। एंड ये विनी कॉस्मेटिक्स का प्रोडक्ट है। ओके, विनी कॉस्मेटिक्स, आई थिंक ग्लैम अप भी उसी का था, आई डोंट नो, मुझे इतना श्योर नहीं है। ओके, विनी कॉस्मेटिक्स का ये प्रोडक्ट है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं, देखते हैं ये कितना सॉफ्ट शेड है। सो गाइस, मैं ओपन करती थी, ये कुछ इस तरह का दिखता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसकी बॉटल भी अंदर से भी पिंक है और यहाँ पे थोड़ा डार्क पिंक। इसकी कैप है एंड पीछे भी इसके सारे इंग्रेडिएंट लिस्ट वगैरह ये सब कुछ मेंशनड है। आगे भी वही है, वाइट टोन फेस पाउडर सॉफ्ट शेड फॉर्मूला। ओके, सो गाइस, आई डोंट नो आपको दिख रहा होगा कि नहीं, बट मुझे यहाँ से लाइट से पता चल रहा है कि ये हाफ है, इतना फिल्ड है अंदर से, या इतना फिल्ड है, मतलब जितनी बॉटल है उसका भी आधा है। क्वांटिटी काफ़ी कम है बट 55 रुपीज़ का है तो ठीक ही है। सो गाइज, अब इसका कुछ ये नहीं है कि इसको यूज़ कैसे करना है। इसके ऊपर लिखा है कि ये फेस पाउडर है, तो जैसे आप नॉर्मल फेस पाउडर लेते हो, जैसे कि आप अपने फाउंडेशन को, कंसीलर को सेट करने के लिए ऊपर से प्रेस्ड पाउडर यूज़ करते हो, लूज्ड पाउडर यूज़ करते हो, तो आप इसको ऐसा लूज्ड पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके एडवर्टीजमेंट्स भी दिखाता है, जो आपको देख खिला खिला गोरा गोरा निखार, आई थिंक या यही बोलते हैं। सो गाइस, मैं आपको बता दूँ, जो कॉम्प्रेस्ड पाउडर होते हैं या ऐसे लूज पाउडर्स होते हैं, इनका बेस्ट यूज़ ये होता है कि अगर आप इसको अपने फेस पे अप्लाई करते हो, अपनी चिपचिपी वगैरह किसी भी तरह की क्रीम के ऊपर, तो ये आपका जो चिपचिपापन जो है ये सब मतलब दूर कर देते हैं, आपके फेस पे ऑयल नहीं आने देते, यू नो, उसको अच्छे से सेट कर देते हैं आपकी क्रीम को बढ़िया तरीके से। सो गाइस, अभी मैंने अपने फेस पे कुछ भी नहीं लगा रखा एक्सेप्ट माय लाइनर, उसके अलावा मैंने अपने फेस पे कुछ भी नहीं लगा रखा। तो चलिए इसको ट्राई करके देखते हैं। ओके, खोलते एक फव्वारा सा गिरा। सो अंदर से इसका फॉर्मूला भी वाइट ही है, वाइट है, आई डोंट नो मेरे। ओके, सो नॉर्मल पाउडर ही है। ओके, तो मुझे नहीं पता मैं इसको कैसे करता हूँ, नॉर्मली मैं यूज़ करूँगी। ओके, सो मैं इसको ब्रश से भी अप्लाई कर सकती हूँ या अपने पफ से भी, बट मैं इसको अपने हैंड से यूज़ करने की कोशिश कर रही हूँ कि ये सॉफ्ट तो है गाइस, इजी अप्लीकेबल भी है। सो गाइस, जिनकी स्किन टोन काफ़ी लाइट है, काफ़ी फेयर वाइट लोग हैं, उनके लिए तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आपने लगाया है नहीं। पर जिनकी स्किन टोन मतलब कि मेरी तरह डार्क है, डस्की है, ब्राउन है, तो उनकी स्किन पे जो थोड़ा पता चल सकता है, उनको अच्छे से, यू नो, इसको ब्लेंड कर लेना है।
खुशबू बड़ी सिंपल सी है, लाइक पॉन्ड्स की जैसे पाउडर्स की होती है वैसी ही है. सो या ओके लेट मी चेक इन माय मिरर अगेन. सो या गाइस इजीली ब्लेंड हो गया है, नॉर्मली है, मतलब कुछ खास नहीं है, जैसे नॉर्मल. ओके सो जैसे नॉर्मल लूज पाउडर्स होते सेम वैसा ही है, कुछ जिस तरह का इसका एड दिखा रहे थे, काफ़ी उड़ रहा है, उड़ेगा ही, जिस तरह से इसका एड दिखा रहे थे, यू नो आपको देख खिला खिला निखार या एक अलग सा निखार, वैसा कुछ नहीं है. बात जैसे नॉर्मल बाकी के लूज पाउडर्स होते हैं बिल्कुल वैसा ही है. हाँ, जिसकी मैंने आपको बताया, आपको अपनी क्रीम के ऊपर, आपको फाउंडेशन, अपने कंसीलर को सेट करने के लिए जो आप इसको लगा सकते हैं, उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है. आप ज़रूर ट्राई कीजिए. 55 रुपीज़ का है, मतलब कोई कॉस्ट नहीं है, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है. तो आप आराम से, आपके बजट फ्रेंडली भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं. अगर आपके पास कोई महंगा लूज पाउडर नहीं है, कंप्रेस्ड पाउडर नहीं है, बेकिंग पाउडर्स नहीं है, तो आप इसको यू नो यूज़ कर सकते हैं. ये इट्स लाइक उतना अच्छा तो नहीं है जैसे बनाना पाउडर्स होते हैं और हमारे जो बेकिंग पाउडर्स होते हैं, बट या मतलब सही है, आप इसको यूज़ कर सकते हो. सो डेफिनेटली आप इसको ट्राई कर लीजिए. हालांकि जैसे कि नॉर्मली है, जैसे बाकी के लूज पाउडर्स होते हैं पॉन्ड्स, आप इसको खुशबू के लिए यूज़ कर लो, यू नो हल्का सा ऐसे ही. तो या ये था मेरा रिव्यू उसके ऊपर. होप सो आपको अच्छा लगा हो, एंड मैं कहूँगी आप यूज़ करके देख लीजिए. 55 रुपीज़ का ये, ज़्यादा कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, तो आप यूज़ करके देख सकते हैं. ओके एंड गाइस काफ़ी लाइट है, लग नहीं रहा कि मैंने कुछ मतलब लगाया, एंड ब्लेंड हो गया ईजिली. जैसे कि मैंने बताया, जिनकी फेयर स्किन टोन है उनके ऊपर और ज़्यादा अच्छा लगेगा आप लगाएंगे. तो मेरी स्किन पे थोड़ा यू नो पता चल रहा है कि मैंने कुछ वाइट वाइट सा लगाया. कैमरे में ठीक से आ नहीं पा रहा, बट मेरे मिरर में मुझे पता चल रहा है कि मैंने कुछ वाइट वाइट सा लगा रखा है. सो जिनकी फेयर स्किन टोन वालों के ऊपर बहुत अच्छा जाएगा. नाम भी इसका वाइट टोन ही है, बट आप अगर आप इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे तो ये ईजिली ब्लेंड हो जाएगा. तो आप डेफिनेटली वाइट टोन के साथ जा सकते हैं. अगर आपको एक लूज पाउडर चाहिए एज अ बैकअप अपने फाउंडेशन कंसीलर्स को यू नो सेट करने के लिए, या अपनी ग्रीसी ऑयली चिपचिपी डेली क्रीम को सेट करने के लिए, आप चाहते हैं कि आपका स्वेट कंट्रोल हो, ऑयल कंट्रोल हो, बीच में आना जाए, सो आप डेफिनेटली वाइट टोन के साथ जा सकते हैं. सो या ट्राई कीजिए. होप्स आपको वीडियो पसंद आई है. वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ गाइस एक लाइक कीजिए, और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मेरी मुझे वीडियो सजेशंस दीजिए. मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में. प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए. आई नीड योर सपोर्ट. तब तक के लिए बाय गाइस एंड गुड नाइट. अगर रात हो रही हो तो, फिलहाल तो नहीं हो रही मेरे यहाँ पे रात. सो या आई एम गोना सी यू सून. बाय.